assalamu alaikum students i hope you all are fine and healthy i am giving you first worksheet of physics from chapter number 9 simple machine of class 10th this video is all about question number 1 of first worksheet so let's start now first of all talk about what is simple machine a machine is a device which is used to do our work more conveniently इन अदर टर्म्स इट कैन बी डिफाइंड एज द डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क ईजी फास्ट इन लेस टाइम विद लेस मैन पावर इज़ कॉल अ मशीन यानी ऐसी तमाम डिवाइस जो हमारा काम आसान बना दे कम वक्त में फास्ट कर दे और कम लोगों के जरिए तो ऐसी डिवाइस को हम मशीन कहते हैं देर आर सर्टिन परपजेज ऑफ मशीन यूजेज ऑफ मशीन और प्रॉपर्टीज ऑफ मशीन ओके सो दिन पर्पज ऑफ द मशीन इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ पावर ठीक है मशीन के जरिए हम पावर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं लाइक बाय द हेल्प ऑफ पुली वी कैन लिफ्ट बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल ओके वी अप्लाई फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वाइल बकेट मूवज इन द अपवर्ड डायरेक्शन सो द चेंज ऑफ डायरेक्शन टेक्स प्लेस यानी पावर चेंज हो जाती है हम पावर डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं द डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हमारी जो बकेट हमें मिल रही होती है वो भरे हुए पानी की वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है सो द मेन पर्पज ऑफ मशीन इज़ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पावर और फोर्स नेक्स्ट इज इट एन लार्जिज द इफेक्ट ऑफ पावर यानी पावर की एनलार्जमेंट कर देती है द मशीन एन लार्जेज द पावर फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिम ओके मशीन कैन Enlarge the power from minimum to maximum. For example, we can lift much heavier load by applying comparatively smaller force or overcome much greater resistance. Examples ki is istana le sakte ho ke we can lift heavy vehicle like truck, car with the help of a screw jack, which is a simple machine which enlarges the power of our hand. ओके, सो सिंपल मशीन है उसके जरिए हम क्या करते हैं छोटी सी मशीन है जिसके जरिए हम बड़ी से बड़ी हैवी लोड लिफ्ट कर सकते हैं ठीक है ना तो सेकेंड पर्पज़ है मशीन का एनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन चेंज और इट कैन ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यानी विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन ट्रांसफर फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक like, अगर हम साइकिल uh, ड्राइव uh, कर रहे हैं तो क्या होता है कि हम अपने पैरों की कुवत या अपने पैरों की पावर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं व्हील्स में तो उसकी वजह से हमारी पावर ट्रांसफ़र हो रही होती है फ्रॉम आवर फीट टू द व्हील्स ऑफ द मशीन व्हील ऑफ़ साइकिल सो वी कैन ड्राइव ईजिली या हम uh, अगर दीवार में कील ठोक रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथ की कोवर्थ जो हाथ की फोर्स है वो ट्रांसफर हो रही होती है किस में कील में बाय द हेल्प ऑफ सिंपल मशीन विच इज़ हैमर ओके सो बाय द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट द पर्पज ऑफ मशीन इज टू स्पीड ऑफ द वर्क और मशीन increases the speed to do work. but sometimes machine can reduce the speed of work. like gears in the car, gears or gear in is also a simple machine. okay. तो जैसे ही हम gear लगाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो cars हैं या different types of uh, vehicle हैं उनकी speed क्या हो जाती है वो reduce हो जाती है. but by travelling by bicycle we can cover larger distance by bicycle than by our foot in the same interval of time okay now i hope you can understand this very much and uh, this is all about first question of first worksheet okay thank you so much